आप देख रहे हैं गांव ढेवड़ा में जो पिछले कुछ दिनों से बाबा प्रेमनाथ जी तपस्या कर रही थी, उनकी तपस्या के बाद आज विशाल भंडारा है और भंडारे में पहले साधु संतों को भोजन खिलाया जा रहा है, उसके बाद ग्रामवासी भोजन करेंगे, जो बाहर से आए हैं भगत वो भी भोजन करेंगे और सैकड़ों की संख्या में साधु संत आए हैं। आप देख रहे हैं साधु संत भोजन करते हुए, जो नाथ संप्रदाय से साधु हैं वो सारे के सारे भोजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बाबा बालकनाथ जी साधु संतों को दक्षिणा देते हुए। आप देख रहे हैं गांव ढेवड़ा में बाबा प्रेमनाथ जी 40 दिन की तपस्या के बाद गांव ढेवड़ा के ग्रामीण भंडारे में भोजन करते हुए। आपने देखा पहले कन्याओं को भोजन करवाया गया, उसके बाद साधु संतों को भोजन करवाया गया और साधु संतों को दक्षिणा दी गई और पूरा कार्यक्रम आपके सामने। और हम जो यहाँ बाबा बालकनाथ जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ नाथ संप्रदाय के जो भी आए हुए हैं हम उनका भी कार्यक्रम दिखाएंगे। आपने देखी है पीछे भंडारे की तस्वीरें देखी हैं और अब हमारे बीच में गुरु जी है बाबा बालकनाथ जी और संजय दास जी, हम इनसे बात करेंगे। गुरु जी आदेश आदेश गुरु जी, जो आज ये भंडारा लगे हैं और रात को जागरण भी था, ये किस उपलक्ष्य में था हमारे दर्शकों को बताएं और यहाँ पर कितने साधु आए हुए? ये ना संप्रदाय की तरफ से अपने प्रेमनाथ जी को तपस्या करने गए हिंदू ने भी तपस्या, उनमें रात अग्रह जागरण भी कराया गाँव वाला ने, भंडारा भी लगाया साधु संसार के लिए। हमारे बीच में गुरु जी संजय दास जी बैठे हैं और जो बाबा प्रेमनाथ जी हैं वो आप देख रहे हैं सामने आपके, इन्होंने 41 दिन की तपस्या करी है और अब जो गुरु जी हैं संजय दास जी इनसे बात करेंगे। आदेश गुरु जी, गुरु जी जो आज भंडारे का प्रोग्राम था वो गांव की तरफ से था या साधु समाज की तरफ से था? ये तो साधु जी को भंडारा करता है, कार्यक्रम करता है, ये तो सब गांव को ही करना होता है, गांव तो अगर अलग से कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो गांव के सहयोग से ही सब होता है। तो गुरु जी बाबा प्रेमदास जी ने जो तपस्या की इसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म के अंदर तपस्या करना भी एक बहुत महान कार्य होता है, सुख शांति समृद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए, रोग शोक से निरोग रहे पूरी अपना समाज गांव नगरी जिंदगी की शांति हो, खुशहाली हो, वस्तुओं में मनुष्यों में रोग ना हो और धन धान्य से भरपूर हो, तो गांव में फसल बाड़ी अच्छी हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। तपस्वी महात्मा तपस्या करते रहते हैं और ये जेठ का महीना है, इसमें विशेष तौर पर महात्मा लोग पदवी देने की तपस्या करते हैं, कोई मंत्र धोने की तपस्या करता है, कोई तुलसी धोने की तपस्या करता है, कोई आठ की तपस्या करता है और कोई एक धारा आठ धोने की तपस्या करता है, इसको
सबका अपना अपना। गुरु जी में पहले मैंने बाबा प्रेमनाथ जी से भी पूछा था, क्या नाथ संप्रदाय में हर घर जाकर भीख मांगने की यानी कि पैसा मांगने की या मतलब तेल मांगने की व्यवस्था है? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अखाड़े का नाते काटने का साधु होगा वो ऐसे घूम घूम के कुछ भी नहीं मांगेगा। अलग केस हुआ है, अलग का मतलब होता है गाँव से अलग जगह के लेना दूध ही। तो वो सिर्फ कोई काम करेगा साधु तो डेरे में होगा। नहीं, वो तो जो गांव का है गांव के गांव में तो मांगेगा, लेकिन बाहर बाकी जो गांव में आते हैं पूछते हैं वो दरअसल जिसको बोलते हैं बैरूपी, जिसको बोलते हैं वस्त्र बदल के बाहर वस्त्र बदल के गाँव में घुस जाएंगे दस दस दिन की, और वो माइयों को बहका के हाथ दे के इस तरह मतलब कुछ ना कुछ उनसे पैसा एक तरह। मेरा तो यही सलाह है कि ऐसे लोगों से सावधान रहा करो गाँव वाले से मुसलमान। और ऐसा भी होता है कि आजकल कुछ अलग मजहब के लोग भी तेज धारण करके गांव में घुस जाते हैं, उनको क्या मतलब है? उनको तो धर्म से यही है कि सनातन धर्म पर विश्वास कम हो लोगों का, और वो गांव गांव में घूमते रहते हैं, कभी किसी से कुछ मांग लिया, कभी किसी से कुछ ड्रा धमका के भी नहीं देते हैं। कई बार तो चोरी चारे की भी ऐसी ऐसी घटनाएं करती है। पर लोगों से यह आह्वान है कि भाई जो स्थानधारी महात्मा जो अपने गांव का डेरा है उस डेरे को सूचना दी जाए ऐसे लोग जब घुसते हों गाँव, क्योंकि हमें अगर सूचना मिल जाए ऐसे मौके पर तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, और वो उनको पता चल गया कि भाई यहाँ स्थानधारी महात्मा कोई है और उसको पता चल गया तो फरार हो जाए। हमारे बीच में बाबा प्रेमनाथ जी बैठे हैं, गुरु जी आदेश। गुरु जी आप पहली बार तपस्या की है या पहले भी की? बहुत बढ़िया। जैसा कि गुरु जी ने बताया है पिछले 10 साल से गुरु जी तपस्या कर रहे हैं और हर साल करेंगे, और अब आपके सामने जो जोगी आए हैं अमूल का भी नाथ संप्रदाय के जो जोगी हैं अमूल का भी भजन सुनाएंगे। अमरनाथ जी बंगाल देश में वहां पर कहने लगे जी मैं तो ये मोहम्मद मुमताज में गिरा बैठा हूँ, दो बच्चे हैं मेरे, मेरे बच्चे मेरे कहने लगे महाराज जी बच्चे भी साथ मिले चलेंगे और आपने दब भरी हुई बैंक में छोड़ूंगा तो ये गुरु से जाके बढ़ूंगा। Oh, my God.
जितना चाहिए